नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी आज नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महानगर में बेमौसमी बरसात और पत्थर पड़ने से जिले के किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। कुछ देर के लिए शहर का जीवन अस्त व्यस्त। मानीराम में पेड़ गिरने से दो राहगीर हुए घायल। पशु तस्कर पर नकेल कसते हुए पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार। तस्करों के सहयोग के आरोप में एक कांस्टेबल को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। दो एसआई और एक होमगार्ड पर एसएसपी की गिरी गाज। गुड फ्राइडे पर याद किए गए यीशु, निकाली गई क्रूज यात्रा। जीआरपी गोरखपुर के हत्थे चढ़े तीन शातिर। अपराध करते थे ट्रेनों में जहर खुरानी और चोरी। नशीले पाउडर भी हुए बरामद। रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे भारत में गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती और विकल्प पर अपने विचार। खजनी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली सामग्री के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ खजनी चारू निगम ने किया खुलासा। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाना फीस लेने के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग के लिए राष्ट्रीय लोकदल की मंडल स्तरीय सेमिनार हुई संपन्न। और एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग में 80 वाहनों का हुआ चालान, वसूला गया 5,000 रुपए जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में अचानक मौसम ने करवट बदल दी है। मार्च के महीने में अचानक चलने वाली तेज हवाओं और पत्थरों ने किसानों की सांसद बढ़ा दी है। गोरखपुर में अचानक लगभग शुक्रवार को 5:30 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश ने बेमौसमी बरसात कर दी, जिसमें ओले भी पड़े। अचानक मौसम में आए इस परिवर्तन से महानगर का जीवन थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के मद्देनजर बिजली सप्लाई को काटना पड़ा और वहीं कुछ देर के बाद ओलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। मानीराम में पेड़ गिरने से दो राहगीर घायल भी हो गए। पशु तस्करों पर नकेल कसते हुए खोराबार और स्वात टीम ने 20 गाय और 8 बछड़ों समेत 3 तस्करों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए पशु तस्कर का गैंग
बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया में फैला हुआ है। इस मामले में तस्करों का सहयोग करने के आरोप में एसएसपी ने थाने के कांस्टेबल इकराम उल्लाह को लाइन हाजिर भी कर दिया है। वहीं एक अन्य मामले में बढ़लगंज थाने के एसआई विनय कुमार पांडे, गगहा के उप निरीक्षक आशीष यादव को भी लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा कैंट थाने पर तैनात होमगार्ड हरिहर पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, इसके अंदर टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 27 पशु इसके अंदर बरामद किए गए हैं और जो इनका ट्रक है बलारो ये भी पकड़ी गई है। इस संदर्भ में अमूल थाना पंजीकृत भी किया गया है और पंजीकृत करने के साथ साथ इसके अंदर ये भी चीज़ प्रकाश में आई है प्रथम दृष्टिया कि इसके अंदर एक सिपाही जो है जो लोकल मोराबाद थाने का था उसकी भूमिका संदिग्ध थी। जो इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया उस सिपाही को भी निलंबित किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद यदि इसके अंदर आवश्यक विधिक कार्रवाई की और जरूरत पड़ेगी तो कंसर्न सिपाही के खिलाफ तो वो भी की जाएगी। 2 सब इंस्पेक्टर्स को लाइन हाजिर किया गया है, एक थाना बड़लगंज का है, एक थाना गगहा का है। गगहा के मैटर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर्स है उसके बीच में जो हम लोग के द्वारा फीडबैक किया था IGRS के संदर्भ में तो ये जानकारी की गई कि भ्रमित आख्या प्रेषित की गई और अभी से बात करने वाली जानकारी प्रकाश में आई कि पिछले 4 महीने से कोई विवेचना के अंदर प्रगति नहीं की गई थी। संदर्भ में लापरवाही करते हुए उनको वहाँ से पुलिस लाइन ट्रांसफर किया गया। तो दूसरा थाना बड़गंज है उसके अंदर ये चीज़ प्रकाश में आई है कि जो कंसर्न सब इंस्पेक्टर था उसके द्वारा एक पर्टिकुलर पासपोर्ट में जो पासपोर्ट धारक था उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ था। फिर उन्होंने जो धारक नहीं था पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, फिर जब वापस पासपोर्ट के लिए उन्होंने दूसरे नाम से अप्लाई किया तो उसकी संस्कृति की गई जनता से जाँच नहीं की गई। जो पासपोर्ट का बड़ा गंभीर विषय रहता है, जो आवेदक है जो इस तरीके से बार बार आवेदन कर रहा था अलग अलग नाम से उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए उनको उनकी प्रारंभिक जाँच चालू करते हुए उनकी पुलिस लाइन ट्रांसफर किया गया। एक होमगार्ड जो है उनकी शिकायत एक पर्टिकुलर थाने से आई थी, कैंट थाने से, विद रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट, उनको वहाँ से थाने से हटा दिया गया है। जो तो पासपोर्ट के लिए जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए और जो कमांडेंट होमगार्ड है उनको उनके स्तर से कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रेषित की है। शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित एक कॉलेज में गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के फादर, शिक्षक, छात्र छात्रा एवं अभिभावक गण हाथों में क्रॉस और मोमबत्ती लेकर 14 प्रतीकात्मक स्थान पर गए जहां यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने से पहले यातनाएं दी गई थी। वहां जाकर संसार में सुख, शांति, समृद्धि और नेकी के रास्ते पर चलने, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी प्रार्थना किया गया। अनुभव कर समझना चाहिए कि प्रभु यीशु ने यह सब मेरे लिए सहा और अभी सह रहे हैं। जब हम यह समझेंगे कि यीशु ने हमारे लिए सहा है तो हमारे मन में उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम और भक्ति के भाव उमड़ रहे पड़ेंगे। साथ ही हम पापों से घृणा करेंगे और पापों के अवसरों से दूर रहने का प्रयास करेंगे। उनकी आज्ञाओं का पालन उनके प्रति हमारे सच्चे प्रेम को प्रकट करता है। अब तो से
A grain of wheat falls onto the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Jesus, you who live successfully and complete his mission, I pray you, grant me the grace and strength to let go in fulfilling your mission and not cling on to my life. Let your penetrating light reveal the areas. तेरे वंचन प्रभु यीशु का शव श्री माता की गोद में करेंगे आराधना हम अपना जगत को तूने बचाया। फिर मितिया की जो तक और निके जब यीशु के शव को उतार कर उनकी दुखित माता की गोद यीशु गोरखपुर जीआरपी टीम को उस समय कामयाबी मिली जब उसने चोरी जहर खुरानी पॉकेटमारी करने वाले शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया।
अभियुक्तों में ब्रिजेश साहनी, अनिल कुमार गुप्ता, रवि वर्मा हैं, जो कि गोरखपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इन अपराधियों के पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं, जिनके पास से नशे के पाउडर, चोरी के मोबाइल, सिम कार्ड, पेचकस आदि बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अभिषेक यादव ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये गैंग गोरखपुर सीआरपी द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं और पांच अभियुक्त जो है वो वर्तमान में फरार है। ये गैंग के सदस्य हैं और अपराधिक इतिहास भी इन्हों का है। इनके पास से 23 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, पैसे बरामद हुए हैं और इसके अलावा जो अभियुक्त फरार हैं उनके पास से भी हमें उम्मीद है कि काफ़ी सामान अभी बरामद हुआ, हमारी टीम उसमें लगी हुई है। ये बेसिकली चोरी जहरफराने और पॉकेट मारी की घटनाएँ करते हैं, हमारे बर्फ हुए हैं और जो लोग फरार हैं उनसे भी कुछ चीज़ों की और करते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन से भी कुछ चीज़ें और इसमें वर्कआउट होंगी और यही तीन लोग हैं जो गिरफ्तार हुए इस गैंग का वर्कआउट किया। देखिए, इनका जो टारगेट रहता था वो जनरली ये रहता था कि ये पॉकेट मारने की कोशिश करते थे आदमी की, तो अलग अलग डब्बों में बारी बारी से चढ़ना उतरना, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, जहाँ इनको लगता था कि बड़ी आराम से ये अपना घटना को अंजाम दे देंगे। जैसे आप देखते हैं जनरली रेलवे में जनरल के डब्बों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, धक्का मुक्की भी रहती है, तो आदमी उसमें समझ नहीं पाता है। कई बार पीछे की जेब में पर्स होता है या कोई उसका आई कार्ड होता है या खाली कैश भी रखा होता है, ऊपर वाली जेब में आदमी कैश रखता है, तो उस केस में भीड़ भाड़ के एरिया में ये लोग अपना टारगेट करते थे। और उसी तरह का इनपुट भी था कि ये जो गैंग है ये इसी तरीके से ट्रेन के अलग अलग डब्बों में चलता फिरता है, स्टेशन पे चेंज कर लेता है, ट्रेन चेंज कर लेता है, डब्बे चेंज कर लेता है, और उसी के बीच में ये लोग पकड़े गए। पकड़े जाने के इनसे जैसा मैंने बताया कैश भी बरामद हुआ है, सिम कार्ड भी बरामद हुआ। अब देखिए, ये इसमें से जो कुल मिला के तीन लोग पकड़े गए हैं और जो पाँच लोग फरार हैं, इसमें से दो तीन लोग नहीं हैं, उनके पास काफ़ी पुराना अपराधिक इतिहास है। जैसे कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनके पास 2007 में मुकदमे हैं, 2009 में मुकदमे हैं, 16 में 17 में मुकदमी है, 12-13 में मुकदमे हुए हैं, तो पुराने क्रिमिनल्स हैं और वर्तमान में उस समय से ये सक्रिय हो गए थे। जैसा कि GRP गोरखपुर का जो विभाग है, इसमें पिछले एक महीने को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो सर्दियों का मौसम था उसमें क्राइम में काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया गया था, तो चोरी और जहर पुराने की घटनाएं घटित नहीं हो रही थी। जहर पुराने की नहीं हुई थी, चोरी की काफ़ी कम घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि लास्ट एक मंथ में हमने देखा कि घटनाएँ हमारे यहाँ भी घटित हुई और जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं कई बार वो आगे जहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली जा रहा है, बिहार जा रहा है, तो वहाँ जाकर तो समझ में आता है कि मेरे साथ ये घटना घटित होगी, तो हमारे पास फिर वो केसेस ट्रांसफ़र पे आते हैं, तो वैसे केसेस की संख्या भी बढ़ने लगी। हमें ये था कि कुछ गैंग इसमें काम कर रहे हैं, उसी के लिए हमने अपनी टीम लगाई हुई थी कि अचानक से जो वृद्धि हुई है जरूर कोई नया गैंग शामिल हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले एक महीने घटनाएं हुई थी उसमें से कुछ गैंग का उसमें रोल था। किस रूट पर ज़्यादा सक्रिय थे? देखिए, इनका जो पर्टिकुलर रूट था वो गोरखपुर से जो गोंडा वाला है हमारे एरिया है, ये जो बेल्ट है इसमें ज़्यादा रहते थे। और जनरली तो क्या रहता है कि रेलवेज में कई बार ये लोग जैसे मान लीजिए बिहार के बॉर्डर से भी आए और इधर आए, देवरिया ये पूरा एरिया कवर करते रहते हैं। ये पर्टिकुलर का टारगेट ये रहता है कि जो आपकी ऐसे रूट्स हैं जिन पर ट्रैफिक काफ़ी रहता है, वॉल्यूम काफ़ी रहता है, खासकर जनरल के डब्बों में भीड़ ज़्यादा रहती है, और खासकर जो ऐसे स्टेशंस होते हैं जैसे गोरखपुर है, गोंडा है, जो कंपैरेटिवली बिजी स्टेशंस हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पे जो फोर्स के लोग हैं, चाहे GRP हो, चाहे RPF हो, चाहे DC हो, चाहे रेलवेज का स्टाफ हो, भीड़ की संख्या में कई बार क्या होता है कि आप इंडिविजुअली हर आदमी को अटेंशन नहीं दे पाते। वो टारगेट वही करते थे कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, ऐसी जगहों को टारगेट किया जाए जहाँ हम आराम से इस प्रोग्राम कहीं निकल सकें और भीड़ में हम नोटिस ना हो पाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन संवाद भवन में हो गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिंदल स्कूल इंटरनेशनल अफेयर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज झा, पूर्व मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, कार्यक्रम सचिव प्रोफेसर SNM त्रिपाठी, प्रोफेसर PK यादव, प्रोफेसर SC पांडे सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
दो दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन के अवसर पर वक्ताओं ने भारत में गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती और विकल्प पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंकज झा ने कहा, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सिन्हा की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरों को रेखांकित किया। वहीं प्रोफेसर राजेंद्र जी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरों को विस्तार से बताते हुए साइबर सुरक्षा के खतरों को भी रेखांकित किया। जब इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ रिसर्च उतनी ही अच्छी होती जाती है। याद रखिए किसी भी देश की असली ताकत, यहाँ हम लोग नॉन ट्रेडिशनल ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की असली ताकत उस देश की इंटेलेक्चुअल पावर है। उसके अलावा जो कुछ भी पावर दिखती है, चाहे वो टैंक हो, तोप हो, हवाई जहाज हो, जंगली जहाज हो, पानी के जहाज हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सब वर्चुअल पावर है। ये देश एक अनूठा और एक अनोखा उदाहरण है इतिहास में। पहले 5000 साल बोलता था, लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च मैंने देखी है ये 15000 साल पुराना इतिहास है भारत वर्ष का। तो ये जो सिविलाइजेशन इथॉस है, ये कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारा जो कल्चर है जो ट्रांसेंड टाइम को करता है, टाइम का सिर्फ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जाने कितने तैमूर ने और ऐसे अहमद शाह गाली नादिर शाह दुनिया भर के लोग आए, आए वो यहाँ आत्मसात हो गए क्योंकि यहाँ का एक एनवायरमेंट है। नहीं, गैर परंपरा के चुनौतियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कृषि आती है, आपकी खाद्य सुरक्षा आती है, एनर्जी सिक्योरिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनसे आगे बढ़ के हमें सोचना होगा क्योंकि आज की चुनौतियाँ सिर्फ न केवल इन सारे मूलभूत मुद्दों को लेकर है बल्कि ये भी है कि कैसे आतंकवाद का नया प्रारूप तैयार हो रहा है, किस तरह की सोच आतंकवाद में रखी है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक हमें तैयार करना पड़ेगा। आज की डेट में एक अकेला आतंकवादी एक अकेला ट्रक लेके जाके काफ़ी सारा आघात कर सकता है, कई लोगों को मार सकता है, साथ ही साथ इस तरह के उनको संसाधन और साधन मुहैया है उससे वो बड़ा सा बड़ा ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। आज की डेट में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में लोगों को कई नई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, एक सुपर बग है जो कि किसी भी मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा है, उसको आपने देखना पड़ेगा किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तीसरा डोमेन आता है आपका साइबर का, साइबर सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यह है जितने भी आप मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, जो भी है, वो सब आप सारा फॉरेन से आता है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक कोड होता है जो उसमें एम्बेडेड होता है, उस पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ बुनियादी बदलाव ला सकता है, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम उस लेवल पे हार्डवेयर बना नहीं रहे। दूसरा और जो फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन मुद्दे बहुत ही विचार योग्य हैं। पहला ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से अपने आप कुछ शब्दों को उठा लेते हैं आपके बिहेवियर के कारण और आपके टाइपिंग के कारण, उससे ये लगता है कि एक तरीके से एक प्रारूप तैयार हो रहा है, एक डाटा सेंटर बन रहा है जिससे आपके बारे में सारी सूचनाएँ उस फ़ोन स्मार्टफोन के पास रहती है। दूसरा ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी आज एक उड़ते हुए जहाज को नीचे गिरा सकता है, वो बहुत बड़ा समस्या है। तीसरा ये है कि किस तरीके से रोबोट्स का दुरुपयोग हो सकता है, रोबोटिक्स बहुत मेजर रूप में हमारे में आ रही है और किस तरीके से रोबोट्स का बुरा इस्तेमाल हो सकता है। और अंत में ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं गैर परंपरा के जिस तरीके से थ्रेट्स हैं, उसमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हमें आगे का सोचना पड़ेगा और आगे के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज की डेट में न्यूक्लियर बम बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन न्यूक्लियर मटीरियल जो कि अगर कोई किसी छोटे से क्षेत्र में एक अटैची में लाके कहीं पूरा बिखराव कर दिया जाए तो वो पूरा क्षेत्र रहने लोग योग्य नहीं रह पाएगा। इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से हम गैर परंपरागत जो थ्रेट्स हैं उनको हम एड्रेस करें और कैसे लोगों को जागरूक करें ताकि लोग आँख और कान बन सकें और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उसको एक 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 इंफॉर्मेशन एक सूचना प्रदान कर सकें। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर।
महानगर में बेमौसमी बरसात और पत्थर पड़ने से जिले के किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। कुछ देर के लिए शहर का जीवन अस्त व्यस्त। मानीराम में पेड़ गिरने से दो राहगीर हुए घायल। पशु तस्कर पर नकेल कसते हुए पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार। तस्करों के सहयोग के आरोप में एक कांस्टेबल को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। दो एसआई और एक होमगार्ड पर एसएसपी की गिरी गाज। गुड फ्राइडे पर याद किए गए ईशु, निकाली गई क्रूज यात्रा। जीआरपी गोरखपुर के हत्थे चढ़े तीन शातिर। अपराध करते थे ट्रेनों में जहर खुरानी और चोरी। नशीले पाउडर भी हुए बरामद। रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे भारत में गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती और विकल्प पर अपने विचार। खजनी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली सामग्री के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ खजनी चारू निगम ने किया खुलासा। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाना फीस लेने के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग के लिए राष्ट्रीय लोकदल की मंडल स्तरीय सेमिनार हुई संपन्न। और एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग में 80 वाहनों का हुआ चालान, वसूला गया 5,000 रुपए जुर्माना। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक कारोबारी को हिरासत में ले लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक बैग में दो कार्टून में 200 ml की 81 cc बंटी बबली लगा हुआ स्टिकर अपमार्जित शराब बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्त के निशानदेही पर पुलिस ने 20 लीटर के 32 गैलन में शराब बनाने में प्रयोग में लाई जाने वाली डिस्टिल वाटर और स्प्रिट भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सहजनवा थाना के कालेसर निवासी महेश के रूप में हुई है, जिसको पुलिस ने खजनी थाना के छपिया मोड़ पर हिरासत में लिया है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ खजनी चारू निगम ने बताया, देसी दारू के होते हैं एसएसपी सर के द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है उसके तहत जो कच्ची शराब बनाते हैं स्पिरिट अपमिश्रित शराब है जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उसमें जो है डिस्टिल्ड वाटर और मिलावट करके बाकी यूरिया और ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। और 16 गैलन है 20-20 लीटर वाले, जिसमें कुछ स्पिरिट है और कईयों में डिस्टिल्ड वाटर है। और बरामदगी इस तरीके से हुई कि सूचना पर एक लड़का है, ये इसके पास से स्कूटी में दो थैले मिले जिनमें बंटी बबली नाम की जो देसी दारू होती है वो मिली
तो इनकी निशानदेही पर बाकी सारी बरामदगी की गई है और इनके साथ का एक अभियुक्त है वो भी फरार है। देसी शराब भी बरामद हुआ है? देसी नहीं, देसी की बॉटल में जो है ये स्पिरिट के द्वारा जो मिलावट करके बेचते थे, तो ये सप्लायर है, ये छपिया एक गांव है हमारे यहाँ खजनी में, वहाँ से ये जा रहे थे अपनी स्कूटी पर दो थैले लेकर जिसमें फील्ड थी, मतलब जो एक में 45 है बोतलें और एक 30 है शायद, तो उनमें जो है ये स्पिरिट मिलाकर बेचते हैं। उसके जब ये पकड़े गए तो पूछताछ की गई तो फिर बाकी की बरामद की। और लोग हैं इनके साथ? हाँ, इनके साथ और भी लोग हैं, अभी ढूंढा जा रहा है। ये बता रहे ना शराब की बोतलें जो होती है, देसी शराब की बोतल होती है, उनमें ये लोग बताते हैं कि वहाँ से लेते हैं शराब की बॉटल और ये जो स्पिरिट है इसको पानी और बाकी चीजें मिलावट करके उनमें फिल करके अपमिश्रित शराब बेचते हैं। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र संघ गवीस दुबे के नेतृत्व में समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमानी फीस और कॉपी किताब के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में चेतना तिराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान में आते जाते लोगों ने बैनर पर विरोध के तर्ज पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के गवीस दुबे अभिभावक अभिषेक पाको ने कहा, अरे लाओ भाई इसके दो, इसके देना है भाई। ये दस्तखत कहले वो दस्ते मुकर वाली गाई अन्याय हो रहा है और इससे अभिभावक बहुत परेशान हैं और फीस की जो गलत वसूली हो रही है ये बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुरलीधर मिश्रा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा बेतहाशा जो मनमानी तरीके से फीस वसूला जा रहा है अभिभावकों से, और जिन किताबों की कीमत 5 रुपये 10 रुपये है उसका 50-100 रुपये लिया जा रहा है, ऐसे में गोरखपुर और इससे सटे हुए जो भी एक गांव गिराव किसान का इलाका है और यहां पे पढ़ने वाले बच्चे किसान के बच्चे हैं, 10-5 हज़ार नौकरी करने वाले लोगों के बच्चे हैं, और उनके साथ जिस तरह से जायती प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है उसी के खिलाफ हमारे समाजवादी छात्र सभा के द्वारा ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस आंदोलन को और आगे भी बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल के बख्शीपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर नंदेश्वर तिवारी के आयोजन में पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर मंडल स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विभिन्न मंडलों से आए सभी पदाधिकारियों ने पूर्वांचल राज्य के लिए अपने विचारों को रखा। कुछ वक्ताओं ने लोकसभा 2019 के चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए रणनीति पर भी विचार रखा। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रदेश सचिव देवरिया जगत राम सरन, जगदीश सिंह, लालसा यादव अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश गंगा सिंह सैथवार सहित पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के महासचिव राष्ट्रीय लोकदल रजनीकांत मिश्र और प्रदेश प्रवक्ता अंशुमान सिंह ने कहा, छोटे में छोटे में बहुत कुछ अधिकारी राष्ट्रीय लोकदल का मिशन है और राष्ट्रीय हमारे जो आदर्श है उनको उनके सामने हमने लड़ाई लड़ी है। मेरे पूर्वांचल के लिए आपके मतलब योजना और सार और आपको एक सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन वास्तविक बात में तो धरातल का काम करना पड़ेगा और ये धरातल का काम तभी होगा जब एक मिशन लेकर के हम चलें और जिले जिले किसानों को सभा करें, किसानों की गोष्ठी करें, उनकी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया जाए, पूर्वांचल की आवश्यकता के बारे में बताया जाए, पूर्वांचल के औचित्य को लेकर चलें और पूर्वांचल की लड़ाई निश्चित रूप से आसान नहीं, बहुत कठिन डगर है। पार्टी मेरा कर्तव्य बनता है उसको मैं जनता के बीच में ले जाऊं और लोगों से कहूं और बताऊं। तो गठबंधन देश काल परिस्थिति की मांग है, एक समय आया जब जनता पार्टी बनी, कांग्रेस के खिलाफ सारे लोगों ने एक समझौता किया और कांग्रेस की सरकार आज स्थिति वही है, इसमें कहीं कोई
के मिल बेच दिलक, जमीन बेच दिलक, किसानन के जमीन बेच दिलक, आज वही साथ मुंह छाइट के गठबंधन बना रखे बनावे बात अपने भगवान सरकार बनी सब किसान अपन बात और राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल राज बनाने के संकल्पित है और यह मीटिंग ये सेमिनार इसीलिए की गई है कि हम एकजुट होकर के सभी दलों को लेकर के जो दल हमारे साथ हैं पूर्वांचल राज बनाने के कहाँ कहाँ के पदाधिकारी लोग पहुँचे हैं। अब पदाधिकारी से हमारे कांग्रेस के आए थे, कांग्रेस के आए ही हैं पदाधिकारी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के आए हैं, शिक्षक संघ के नेता आए हैं, ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हमारे साथ पूर्वांचल राज बनाओ के लिए हमारे लिए संकल्पित होकर के हमारे इस सेमिनार में सम्मिलित हुए। आज का ये जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से किसान पूर्वांचल और जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की एक साथ से चल रही है इसके कार्यकाल की समीक्षा एक सेमिनार के रूप में हम लोगों ने इसको आयोजित किया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर पांडे जी हैं, इसके आयोजक हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नंदेश्वर तिवारी जी हैं और इसमें हमारे पूर्वी जोन के अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश सिंह गोरखपुर के, देवरिया के जिलाध्यक्ष हमारे जगदीश सिंह, सभी लोग इसमें वो हैं और दलों से भी ये शिक्षक नेता हमारे मार्कंडेय जी सिंह हैं, अभी जनता दल शरद जी के गुट के आए थे गौतम लाल जी, तो तमाम दलों का समर्थन पूर्वांचल के नाम पर यहाँ है और हम लोग मेनली पूर्वांचल की लड़ाई के लिए ये सेमिनार और जो प्रदेश और केंद्र की सरकार ने पूर्वांचल की बात करके जनता को धोखा देने का काम किया है इसको हम लोग जनता के बीच में उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की लड़ाई। आज भी मेरे दल के अलावा, राष्ट्रीय लोकदल के अलावा, चौधरी अजीत सिंह के अलावा इस प्रदेश में, इस देश में कोई किसानों की समस्या पर न लड़ता है न आवाज़ उठाता है। हम कम हैं, ज़्यादा हैं, हम 10 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 5000 के साथ किसानों के धरना प्रदर्शन भुगतान, अनाज का भुगतान, सारी लड़ाई हम लड़ते हैं, उसी क्रम में आज ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है, यही मेरा उद्देश्य। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को बिना हेलमेट लगाकर चलने वाले और काली फिल्म और बिना गाड़ी के कागजात के चलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 80 वाहनों का चालान किया और 5000 रुपये बतौर जुर्माना भी वसूल किया। शुक्रवार को SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में बस स्टेशन के पास वाहनों की चेकिंग की गई जिसमें यातायात पुलिस ने बिना गाड़ी के कागजात लिए चलने वालों पर कार्रवाई की और उन्हें चेतावनी भी दी कि हेलमेट लगाकर चलें, साथ ही सीट बेल्ट का भी प्रयोग करना ना भूलें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, नहीं वो तो हम जानते नहीं, अब उस गाड़ी को चलाने का ट्राई ही नहीं होगा। 2000 की होगी, 2000 अभी तक चालान किए गए लगभग 80 वाहनों का चालान हो चुका है और 5000 रुपये का जुर्माना बचा है। यही अनुरोध है, हेलमेट लगा के
की सवारी ना चलें, गाड़ी के प्रपत्र साथ में लेके चलें और यातायात के नियमों का पालन करें जितने भी। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। महानगर में बेमौसमी बरसात और पत्थर पड़ने से जिले के किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। कुछ देर के लिए शहर का जीवन अस्त व्यस्त। मानीराम में पेड़ गिरने से दो राहगीर हुए घायल। पशु तस्कर पर नकेल कसते हुए पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार। तस्करों के सहयोग के आरोप में एक कांस्टेबल को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। दो एसआई और एक होमगार्ड पर एसएसपी की गिरी गाज। गुड फ्राइडे पर याद किए गए यीशु, निकाली गई क्रूज यात्रा। जीआरपी गोरखपुर के हत्थे चढ़े तीन शातिर, अपराध करते थे ट्रेनों में जहर खुरानी और चोरी। नशीले पाउडर भी हुए बरामद। रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे भारत में गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती और विकल्प पर अपने विचार। खजनी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली सामग्री के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीओ खजनी चारू निगम ने किया खुलासा। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाना फीस लेने के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग के लिए राष्ट्रीय लोकदल की मंडल स्तरीय सेमिनार हुई संपन्न। और एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग में 80 वाहनों का हुआ चालान, वसूला गया 5,000 रुपए जुर्माना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन तक दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।